परिवार की खोज हो जाती है। जैसे संस्कार बड़े बूढ़े देते हैं, वो ऐसा ही संस्कारी बेटा होता है। तुम्हारे संस्कार देख लो उल्लू को पट्ठा, क्या उल्लू के पट्ठन ने, ये संस्कार तुम्हारे ही हैं, ये तुम्हारे ही संस्कार हैं। और तुम जिस दिन इस अखाड़े को लेके मेरे दरवाजे पे आओगे ना, तो फूलों की माला लेके स्वागत करूंगा तुम्हारा, तुम्हारे परिवार का। वो चक्कर वो नहीं चलते जो माहिर होते हैं हर फन में, छलकता है पानी ओछे बर्तन में। दादा अपने दरवाजे पे नौकरों मेरे दरवाजे पे आएंगे उल्लू के पट्ठा, कितना बढ़िया स्वागत कर लो मेरे और मेरे परिवार को। जबकि मैंने आपको एक लफ्ज भी नहीं कहा है और ना कहा है मैंने जीबी शर्मा गुरु से, अब उल्लू के पट्ठा तो मेरे टोकरा उगाई दे रहोगे नाजो करे तुम कह दो उधर के बंधु। अब सब बात में छोड़ कर, लेकिन मैं नहीं दूंगा तुमको, मैं कहूंगा भी नहीं आपसे। क्यों? कि ये परिवार की सभ्यता होती है, परिवार का अंश होता है। जिसका अंश गंदा है वो गंदा ही रहेगा, जो संस्कारी पुत्र होते हैं वो संस्कार की बात करते हैं। जय भैया, जय भैया, सुनो भैया, यही तुम अपने मन को साध लेना क्या कह रहा हूँ मैं। जय भैया बेटा रुक, कछु ना करो। जे कहते हम तो रोज कह रहे दंगल में हम बुरी ना मानने, पर आज बुरी चो मानना है दुद्धे बैठे ना के गुरु बहु ना समझ आ रहे। बस ये रोजाना कहे हमसे हाँ। हमें बुलाने लगेगा, लेकिन आज ये कह रहा हो बाप नीचे बैठ गए, कितनी बढ़िया गाई दे रहा हूँ। कहा नाम बताते के पास शहर गा दो गोदाम बना देंगे। ऐसे बाप को तो या तो उठ के चला जाना चाहिए वहां से। जब छोरा ना माने ना, जब छोरा जिद्दी भेज जाए और बाप की कहीं ना माने, तो उस बाप को अपनी इज्जत बचाने के लिए तुम बाकी कह रहे हो हटना देना चाहिए। नचनिया है, देखो बात बढ़िया लगी हो, चाचा मोदेवे आ गए वहीं पे नारे लाने के। हाँ बेटा, और ये संस्कार होते हैं। और रही बात, तुम माँ की क्यों बहन की क्यों, ये कल परसों को लड़ रहा है, और मैंने तुम्हारे साथ दंग लगाए, भैया अशोक शर्मा के साथ दंग लगाए, मैंने बिजन शर्मा के साथ दंग लगाए। अगर ये मेरे गाल पे जापे मार जागो चाटो, तो मैं दूसरों गाल कर दूंगा, चूंकि छोटो है। क्षमा बड़ों को चाहिए छोटों को, और मैं जाके गाल पे चांटो मारता हूँ या कोई बेइज्जती ना होगी, और जे मेरे गाल पे चांटो मार जाओ तो मेरा मरबो है जाए। अब ज्यादा ना मत कह, अब ज्यादा नहीं कहूंगा। नंबर आपने देख लिया, तेरी अम्मा घोड़ी बन गई, तेरी अम्मा पे फलानो चढ़ गो, तेरी अम्मा पे वो चढ़ गो, ऐसे नहीं गाऊंगा और जनता को मजा दूंगा पूरा। तू मेरे मन की मैना होती कितना बढ़िया बढ़ा के लायो, मैं जनता को मना दूंगा। अब अपने अंश को और अपने परिवार की सभ्यता को तुम अपने दिन में देखो। मैं जीबी शर्मा जी गुरु से कहूंगा, मैं प्रधान जी तुमसे कहूंगा, क्यों कि तुम गुरु हो इसके। बिल्कुल हाँ जी, हाँ साहब, मैं तेरे मन की मैना होती कहा था कि एक चौकोर बड़ी आ गए थे, बीच के काफिया छोड़ गए अपने, है ना लेना भेना मासा बयाओ। अब आ रहे देखो बेहू लड़के अपने आप छोड़े भाग रहे। भैया सुनील भैया, तेरी अम्मा घोड़ी है गई है, तेरो बाप वो घोड़ा है गयो। चाचा प्रधान जी तुम्हारी कसम, कोई याद या बात के आ रही है, तुम प्रधान जी हो कोई और है, वो तुम्हारा भूत भूत। मैं ज्यादा नहीं कहूंगा भैया, अगर बात बढ़िया लगे तो ताली बजा देना। सुनील भैया, भाई भाई के दिल में फलक परवायो जस कुनी हमारे, भाई भाई के दिल में फलक परवायो जस कुनी मामा ने। सुनो तुम्हारी बदतमीजी पर सभ्यता भारी पड़ेगी, ये दिल से कह रहा हूं। वो कह रहा ना कि ऐसे रसियाबाज तू बड़ो है का अब्बा है रो हमारो, अगर एक धुनगा दी पूरे खानदान भागो डोले। वो बड़ी बात नहीं कर रहा हूं, और गाया भी है तुम्हारे सामने, तो बिचारे बिना सहारे। अब गप्पा नहीं चुका उसे, चैलेंज देके गाया था मैंने भैया अशोक शर्मा के सामने, और पूरी रसियाबाजी के सामने कहो गप्पा तो ना है, खाओ कसम गबो वो भी कह दो, तुम तो रसिया गा रहे हो समय। लेकिन नहीं, मैं पहले कह रहा हूं कि उचक्कर वो नहीं चलते जो माहिर होते हर फन में, छलकता पानी ओछे बर्तन में। पल्ला को तोल लो,
जो हल्का पल्ला होता है, जो हल्का पल्ला होता है दादा वही ऊपर उठता है, और जो भारी पल्ला होता है वो नीचे झुक कर चलता है। देख भाई भाई के दिल में फर्क, भाई भाई के दिल में फर्क, परबायो जस कुनी मामा ने, भाई भाई के दिल में फर्क, परबायो जस कुनी मामा ने, धर्मराज से दाब पत्रो पतकू, अगर लान बढ़िया लगे तो प्यार, धर्मराज से दाब पत्रो पतकू, धर्मायो जस कुनी मामा ने, धर्मराज से दाव पत्रो पतकू, धर्मायो जस कुनी मामा ने, और देखो ताली, धर्मराज से दाब पत्रो पतकू, धर्मायो जस कुनी मामा ने। और अब आपको पसंद आया तो बजाइयो सुनील भैया, धर्मराज से दाब पत्रो पतकू, धर्मायो जस कुनी मामा ने। महाभारत में, महाभारत में सब कौरव दल मरवायो जस कुनी मामा, महाभारत में सब कौरव दल मरवायो जस कुनी मामा। पड़वे की बात पे लड़वे पू लगे जाए, चाचा मैं सही कहूंगा और देहावती मुहावरो है, और जो बत्तीनी जी गावे वो पलट देखो, पड़वे की बात पे सुनील भैया मुरझाओ मतना, और ये मेरा वादा है, मैं कसम भगवती की खा के कह रहा हूं उस मंच से, अगर जनता का भला करके चलोगे, जनता को संग लेके चलोगे, तो कोई माई का लाल तुम्हें रोकने वाला नहीं है, नहीं है। क्यों? जनता राष्ट्रपति के गाल पे चाटा मार के नीचे उतार देती है, और यही जनता एक चाय वाले को देश का प्रधानमंत्री बना देती है। देख पड़वे की बात पे लड़वे कुल्ला के जाए, बार बार कहवे ते नाजे पढ़े वो, बार बार कहने से नाजे पढ़े वो, और मड़वे की बात पे जे ढोलक को फोड़ दे, चाचा मन राजी होए तो गे ठीक ठाक पढ़े वो, अड़को अड़ीलो लक्ष्मी बाई को जे घोड़ाए, अरे अड़को अड़ीलो लक्ष्मी बाई को जे घोड़ा है, विपत परे पे जरूर ही अड़े गो, विपत परे पे जरूर ही अड़े गो, विपत परे पे जरूर ही अड़े गो। और देख ताली ऐसे बजाते हैं जे बड़े बूढ़े को मुहावरो आ रहो है, देख अड़को अड़ीलो लक्ष्मी बाई को घोड़ा है, विपत परे पे जरूर ही अड़ेगो, अपनी राजी पे जाए सौ बेर चढ़ जाए, कहे ते कुम्हार ना गधा पे चढ़ेगो, कहे ते कुम्हार ना गधा पे चढ़ेगो, कहे ते कुम्हार ना गधा पे चढ़ेगो। अरे तू मेरा महबूब सनम ये दीवारों पे लिख दू, अरे तू मेरा महबूब सनम में दीवारों पे लिख दू, ऊंची नजरें करके नीची चौवारों पे लिख दूं, तू मेरा यार है कह दे के प्यार है, ये तेरे प्यार का किस्सा बेकार है। प्रधान जी तुम्हें देख के बात आ गई है मुझे याद, पहले जो धनवान थे सुशील भैया, पहले जो धनवान थे चाचा, आज वो भिकारी बन गए, और छप्पर में रहने वालों के अब अट्टा अटारी बन गए, छप्पर में रहने वालों के अट्टा अटारी बन गए। आदरणीय पूजनीय वंदनीय प्रधान जी भक्ति जी दोनों गा रहे, ये लड़का कहता कि बत्तीनी जी गाओ, मैं नहीं गाऊंगा बत्तीनी जी, क्योंकि छोटो बालक होए और बातें कहिए तू गाई दे तो बाकी गाली वो अच्छी लगते हैं, और जब वो बड़ो है यार ना जो जो, और जब बड़ो है के गाई दे तो बाबू ने बस अरे तुमको तू तेरी पे। प्रधान जी छप्पर जो धनवान थे
अब वो भिखारी बन गए चाचा छप्पर में रहने वालों के, अब अट्टा अटारी बन गए। के नहाते ना धोते ये कभी नहाते रे, फिर भी पुजारी बन गए। एक बार ताली बजाओ प्रधान जी के लिए। और जब दिल से प्रधान जी निकल गया तो प्रधान जी मैया भगवती बनाएगी जरूर। और ये तो 500 को अगर 2000 के चल रहे हो तो 2000 को लूट ले लिए। तो धोते ये कभी ये गुंडे पुजारी बन गए, जे गुंडे पुजारी बन गए। और ताली ऐसे आते प्रधान जी घोड़ी घोड़ा पे ना आवेगी। बढ़िया बात है चाचा, नहाते ना धोते ये कभी और गुंडे पुजारी बन गए। और सुशील भैया, अरे हल्दी की रख कर डांट को ये चूहे पसारी बन गए। हल्दी की रख के डांट को चूहे पसारी बन गए। बेटा एक दिन ढूंढन सकी मैं तो कृष्ण मुरार गई, के एक दिन ढूंढन सकी मैं मनमोहन घनश्याम गई। बेटा मनो सुन, एक दिन ढूंढन सकी। शर्मा जी मैं निगाह मिलाओ, घोड़ा घोड़ी ना होगी। क्यों? ये क्रीम घड़ा है, मिलावट वाला घड़ा चलाता नहीं हूं। अगर मिलावट वाला घड़ा चलाता तो मेरे किराए पे डांसर है, 500 की जगह 1000 दे तो डांसर निश्चय निरो किराए को ले जाते पूरी रसियाबाजी में किराए पर ढूंढ रहे हैं। लेकिन मेरा ये बच्चा है, जैसा भी आज टूटा फूटा मैं आज इसको चालू कर रहा हूं, आगे को अगर ये सीख भी जाएगा तो मेरा ही काम चलेगा इससे किराए बारे। जबकि रामा तला छोड़ कर तुम्हारे यहां इतने सी मना रहा हो छोड़ा, तो एक दिन यह हुआ छोड़ कर कहूं और जावे हो। चौकी स्वार्थ के स्वार्थी स्वान हुए, तुम ही कह रहे हो अपनी लान में, ईमान को बेच रहे गुंडे, मां बहनों की बोली बोले अब इंसान को बेच रहे गुंडे, मुर्दों के दफन को जगा नहीं शमशान को बेच रहे गुंडे, मंदिर से चुरा कर ले जाते हैं भगवान को बेच रहे गुंडे, भगवान को बेच रहे गुंडे, भगवान। बेटा अब वो ये बजा लेने देख, एक दिन ढूंढन सकी मैं तो कृष्ण मुरार गई। भैया लचक लचक और अचक अचक, लचक लचक और अचक अचक, मैं तो करसो ले सिंगार गई। जहां लास रचो वृंदावन में रास रे, अरे यहां रास रसो वृंदावन में, जहां रास रसो वृंदावन में। और सौरभा हमारे भैया जी की ओर से मैं नाम से परिचित नहीं हूं, मोहित फौजी मोर मुकट फौजी भैया, एक बार ताली बजा भैया इनके लिए भी। क्यों? अगर आज ये ना होते तो हम तुम अपने मकानों में चैन से ना सोते, क्योंकि रक्षा करने वाला जवान और अन्न को पैदा करने वाला
अगर दो इंसान नहीं होते तो हमारा जीवन सुरक्षित नहीं होता। एक दिन भूडन सकी मैं तो कृष्ण मुरार गई, लचक लचक अचक अचक कर सोले सिंगार गई, झाला सिरचो वृंदावन में मैं लूटत मौज बहार गई। और लाइन तुम्हारे मन की आ रही है, हाथ उठा के बजाइयो और जाको इतना एहसास करा दियो कि कोई रिश्तेदार दरवाजे पे आवे तो बापो सम्मान करना चाहिए ना कि हाँ रास रचो वृंदावन में। और हकीकत बता रहा हूं, तू बची हो रहे हो क्योंकि राय के बराबर में हेरो दंगल और ऐसो गा रहे हो तो तेरी थूतरी तोड़ दे तो कोई ना कोई ढेर पड़ रहे होते। जहां रास रचो वृंदावन में मैं तो लूटत मौज बहार गई, भैया मैं तो लूटत मौज बहार गई, पर मिले न मोकू मनमोहन में तो ढूंढत ढूंढत, मिले न मोकू मनमोहन में ढूंढत ढूंढत हार गई। आगे बजाओ। तू तेरे मन की में ना होती मैं तेरे मन का तोता। अरे अब सुनो, अब अपने ही काफिया तुम बीच वाले छोड़ गए, मिलाए कि नैना तेरी बहना आई लव यू बोली उन काफिया को ध्यान रख रहे हो, बहना सेना को ला रहे हो। मैंने जैसा भी जवाब दिया इनका दिया भैया, लेकिन मैंने एक टुकड़ा पूछा था, आदि गिरजा शंकर आधे हैं, आधे कृष्ण तो आधी राधे हैं, दिखला दे तीसरे आते हैं जिनके तन आधे। कोई जवाब दिया, हाथ उठा के बताओ दे। रसियाबाजी कर रहा हूं, रसियाबाजी ना है तू गाईबाजी कर रहा है, गाईबाजी कर सके। मैं हकीकत बता रहा हूं, गाईबाजी कर सकता है और तू बावर हो, तू बावर हो, तू हमारी माँ क्यों कह सके, बहन क्यों कह जाओ, तो तू कुछ सुना है ऐसे कैसे कह जाओ घोड़ा कुटे हो ना माँ की कह जाओ। अरे सुन बेटा, नहीं नहीं चो के वाकू तो खिताब मिलो भरना के बाहर हो, जब भी पुलिस आवे मैं तो बाहर हो, तो बाहर ये भी तो भैया माफी हो जाए है ना। हाँ बेटा इंतजाम है बाहर सको। तू मेरे मन की मैं ना होती मैं तेरे मन का तोता, और उड़ते रहते नीले गगन में डर न किसी का होता। हुआ हुआ देख, अब फिर से मेघनाथ क्या कह रहा है देख। अरे ताकत तेरी यहाँ चले ना, बात तेरी है पूरी चले ना, ताकत तेरी आज चले ना, बात तेरी है पूरी। और अरे यहाँ पे तेरी दाल गले ना, अरे यहाँ पे तेरी दाल गले ना है जाए खाली झोली। यहाँ पे तेरी अब यहाँ पे तेरी दाल गले ना है जाए खाली खोली। और तूने खोली माने खोली किसको कहते हैं झोली। यहाँ पे तेरी दाल गले ना है जाए खाली झोली। और देख क्या करे दुआ दुआ, अब देखो जो क्या कह रही है ना, फिर लायो कुआ कुआ। अब हम क्या करे, अब मैं क्या कह रहा हूँ देख। अरे यहाँ पे तेरी दाल गले ना है जा खाली झोली। तो हुआ हुआ ना, देखो कितनी बढ़िया लाइन लिखी है गुरुदेव ने। अरे यहाँ पे तेरी दाल गले ना है जा खाली झोली। अरे पुआ पुआ मो गुड़ को पुआ समझ रहे हो है, मेघनाथ बोल रहा है। अरे पुआ पुआ समझे का गुड़ को पुआ।